सब्सक्राइब करें टेक्निकल हेल्प रास्ता चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल हेल्प रास्ता के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है कृष्णा और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप गुजरात के किसी भी खेत का जो है आप डिटेल्स कैसे देख सकते हैं, वो किसके नाम पे है, ये सारा डिटेल्स आप कैसे चेक कर सकते हैं, कितना वो ज़मीन है यानी जिसको आप खतौनी बोलते हैं या भूलेख भी बोलते हैं, वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। अगर आप गुजरात के रहने वाले हैं या गुजरात में आपका ज़मीन है तो आप ये आसानी से गुजरात का चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे चेक करते हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक का देखते रहिए। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और गूगल ओपन करके उसमें टाइप कर लीजिए एनी रोर गुजरात और उसके बाद सर्च कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर मैं सर्च कर लिया। अब तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले जो ऊपर आया हुआ है उस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं anyroad.gujarat.gov.in ओपन हो चुका है। अगर आप चाहे तो ये URL डायरेक्ट भी टाइप करके ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यू लैंड रिकॉर्ड्स पर हमें क्लिक करना है। मैंने व्यू लैंड रिकॉर्ड पर जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर जो है आपको अपना सब डिटेल्स सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से आपको देखना हो वो आप यहाँ पर पहले सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं VF7 सर्वे नंबर डिटेल्स पर ही रहने देता हूँ। आपको जो भी जिस प्रकार से भी देखना हो आप वो उस प्रकार से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है जिसको ज़िला भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने भरूच को सिलेक्ट कर लिया और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको तालुका सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं कोई एक तालुका सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आपका तालुका लगता हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अंकलेश्वर सिलेक्ट किया और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको विलेज सिलेक्ट करना है, जो भी आपका गाँव लगता हो ग्राम। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पानौली सिलेक्ट कर लिया है और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको सर्वे नंबर सिलेक्ट करना है। तो जो भी सर्वे नंबर का आप देखना चाहते हैं वो सर्वे नंबर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सर्वे नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा सर्वे नंबर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं 2 नंबर सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सर्वे नंबर 2 को सिलेक्ट कर लिया है। फिर यहाँ पर आपको कैप्चा कोड एंटर करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं कैप्चा कोड एंटर कर लेता हूँ। तो दोस्तों कैप्चा कोड एंटर करने के बाद जो है आपको गेट डिटेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर कैप्चा कोड मैंने गलत एंटर कर दिया था, लास्ट का एक अंक छोड़ दिया था मैंने, नहीं एंटर किया था। तो चलिए यहाँ पर मैं फिर से एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एंटर करके गेट डिटेल पर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या डिटेल्स से आप ये आसानी से देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा डिटेल्स, ये किसके नाम पे है वो सब डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाता है। तो और इसको चाहे तो दोस्तों आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप अपना भूलेख चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि गुजरात के ज़मीन का डिटेल्स आप कैसे निकाल सकते हैं और कैसे भूलेख आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।